तो दोस्तों आज का वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेरी कंसोल रैक के बारे में जो आपको पीछे रखी हुई दिख रही है। आज हम इस चीज के बारे में बात करने वाले कि आखिर चीजें है क्या। आप में से कई लोगों को पता होगा कि दोस्तों क्या चीजें हैं, लेकिन जो अपकमर जो न्यू कमर्स है उनको पता नहीं है, जो नए लोग हैं उनको पता नहीं है कि आखिर क्या चीज होती है, क्या काम में आती है। अधिकतर वो देख के इसको सोचते हैं कि आखिर क्या है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इसकी पूरी जो रैक है इसके बारे में बात करने वाला हूं, एक बेसिक डिटेल आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चैनल पर अगर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है दोस्तों, उसको जाकर प्रेस कर दीजिएगा। तो मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं डीजे स्टैंडिंग इंडिया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं अगर सबसे पहले मेरी रैक की बात करूं तो मैं आपको बता दूं उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं चलाता हूं और कुछ चीज़ें जो मैं चला रहा हूं, मैं उनका डिफरेंस आपको बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं चला रहा हूं। तो अगर मैं सबसे पहले ऊपर बात करूं तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ दोस्तों ये है डीबेक्स का ड्राइवर एक 260। यहाँ पे इसका डीबेक्स की ब्रांडिंग थी दोस्तों एक्चुअली मिट चुकी है, साफ करते पता नहीं कैसे मिट गई। और यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा है ड्राइवर एक 260। ये एक डिजिटल क्रॉस ओवर दोस्तों, क्रॉस ओवर अगर मैं आपको बताऊँ कि क्रॉस ओवर क्या होता है तो आपने जैसे देखा होगा अलग अलग टाइप के स्पीकर्स होते हैं, बेस के अलग होते हैं, मिड के अलग होते हैं, कभी कभी अभी 3 वे में चल रहा था HF भी अलग होती है। तो जो अलग अलग स्पीकर हैं इनके अलग अलग काम ये दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि हमारा अगर HF है तो दोस्तों उसमें HF की फ्रीक्वेंसी ही जाना चाहिए, तो उसमें सिर्फ ये HF की फ्रीक्वेंसी ही भेजेगा। बेस का स्पीकर है तो उसमें सिर्फ बेस की ही फ्रीक्वेंसी भेजेगा। मिड का स्पीकर है तो उसमें सिर्फ मिड की फ्रीक्वेंसी भेजेगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों एक टाइप से क्रॉस ओवर जो होता है वो हमारे जो साउंड का इफेक्ट बढ़ा देता है। तो ये DBX का ड्राइवर 260 एक डिजिटल क्रॉस ओवर है जिसमें ये क्रॉस ओवर के अलावा भी इसमें कई सारे दोस्तों हमको फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम अगर डिले टावर लगाते हैं हमको उसमें डिले का भी फंक्शन दे रखा है कि हमारा कितना मीटर कितने फीट पे है, उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करके इसमें हम लगा के हमारा जो डिले टावर उसको लगा सकते हैं ताकि हमारे साउंड में गैप नहीं आए और एक साउंड हमारे एकदम प्रॉपर चले। फिर उसके अंदर ही दोस्तों एक और चीज़ हमको दे रखी है, हमको ऑलमोस्ट हर टाइप के इक्वलाइजर्स हमको देखने को मिलते हैं। जो इक्वलाइजर होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं जो नीचे लगे हुए, ये चीज़ें सारी इनबिल्ट ऑलरेडी इसके अंदर है। तो हमको इसके अंदर हमारा डिले टावर का इफेक्ट भी मिल गया, हमारा क्रॉस ओवर भी मिल गया, हमारा इक्वलाइजर्स भी मिल गया। तो दोस्तों ये एक ही चीज़ के अंदर सब कुछ इनबिल्ट लगा हुआ है, तो इसलिए डिजिटल है, क्रॉस ओवर है। इसके अंदर कंप्लीट जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा है, कभी आप लाओ तो दोस्तों इस पर देखना कंप्लीट इक्वलाइजेशन एंड लाउड स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों एक डिजिटल क्रॉस ओवर है इसलिए इसके अंदर सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। वहीं अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा DBX का 234XS। ये दोस्तों 234 वे का क्रॉस ओवर है, ये एक एनालॉग क्रॉस ओवर है दोस्तों जो पहले चलता था। ये भी मैंने इसके मेरी रैक में माउंट इसलिए कर रखा दोस्तों, अधिकतर चीज़ें मैंने रैक में माउंट इसलिए कर रखी है क्योंकि मैं जब इसको लाया था तो मैंने सोचा मैं नई रैक कहाँ बनाऊंगा, तो मैंने इसलिए जो ड्राइवर है कि इसको इसके अंदर ही माउंट कर दिया। मैं इसको एक दो साल पहले ही लाया, जो मेरा ड्राइवर है कि इसको मैं एक दो साल पहले ही लाया तो मैंने इसके अंदर इसको माउंट कर दिया था और ये सारी चीज़ें ऐसी कैसी छोड़ दी मैंने। तो ये एक सिर्फ एनालॉग क्रॉस ओवर है दोस्तों जिसका काम है सिर्फ हमारे जो पर्टिकुलर स्पीकर है उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भेजना। सिर्फ इसमें हम चाहे तो हमारे दोस्तों जैसे देख सकते हैं लो मिड की फ्रीक्वेंसी, मिड हाई की और लो, हमको यहाँ पे दो टाइप की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। साथ में इनपुट दे रखा है हमारे लो मिड हाई का आउटपुट दे रखा है। तो ये सिर्फ हमारे क्रॉस ओवर के अलावा इसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर कई सारी चीज़ें थी क्योंकि ये डिजिटल था, ये एनालॉग क्रॉस ओवर है इसलिए इसके अंदर हमको सिर्फ मोड के साथ में हम सिर्फ हमारे मोनो स्टीरियो कर सकते हैं और हमारा लो मिड हाई के आउटपुट दे रखे हैं। साथ ही साथ उनकी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है कितनी हमको डालना है, कितनी कट करना है, कितनी बूस्ट करना है, सिर्फ वो दे रखा है इसमें और साथ में इनकी गेन दे रखी है दोस्तों। बस इसका और कुछ भी नहीं काम है, बस एक सिंपल एक क्रॉस ओवर है। वहीं अगर मैं नीचे आऊँ तो हमको देखने को मिलेगा एक LSS का MIDI WAV 4। ये एक इफेक्ट प्रोसेसर, एक दोस्तों एक डिजिटल इफेक्ट जैसे कि आपने देखा होगा आपके पास होगा DD3 होगा, फिर लेक्सिकॉन का भी इफेक्ट्स आते हैं दोस्तों। तो ये हमारा LSS का MIDI WAV 4 एक एक्सटर्नल प्रोसेसर है जो दोस्तों जैसे कि डिले हुआ, रिवर्ब हुआ, गेट रिवर्ब हुआ, ऐसे कई सारे जो इफेक्ट्स आते हैं ये इफेक्ट्स सारे इस चीज़ के अंदर ऑलरेडी डले हुए डिजिटल। इसके अंदर हमको कई सारे करीबन 100 इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे इनबिल्ट इसके अंदर। और हम चाहे तो हमारे जो पर्सनल हमको हमको कस्टम बनाना है तो हम इसकी सेटिंग में जाके हमारा पर्सनली बना सकते हैं दोस्तों। इसके बिल से हम हमारे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, हमको जो भी चाहिए, हमारे स्टीरियो डिले, गेट रिवर्ब, डिले में और फिर जो लॉन्ग यू को आता है दोस्तों वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमको थोड़ी इसकी सेटिंग करता आना चाहिए बस। फिर मैं अगर नीचे बात करूँ तो ये है यामाहा का REV100 डिजिटल रिवर्बरेटर। दोस्तों काफ़ी कमाल का एक इफेक्ट प्रोसेसर है जो आपको अधिकतर साउंड वालों के पास देखने को मिलेगा क्योंकि ये दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों काफ़ी एनहेंस्ड है। मतलब आपको अधिकतर साउंड वाले रिकमेंड भी करेंगे, अगर आप एनालॉग अगर आपके पास सेटअप है तो आपको ये ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि आप वो इफेक्ट प्रोसेसर ज़रूर यूज़ करिए।
इसके अंदर दोस्तों हमको अराउंड 100 हमको इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, 99 इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। साथ में इनके डिले डिके लेवल यहाँ पे हमको लेवल्स देखने को मिलते हैं, इनपुट लेवल और मिक्स बैलेंस भी हमको देखने को मिल जाता है। इससे भी हम जो हमारा लॉन्ग इको आता है दोस्तों वो भी हमको अगर सेट करता है तो हम उससे वो भी कर सकते हैं। फिर वहीं दोस्तों अगर मैं नीचे बात करूं तो ये है हमारा ग्राफिक इक्वलाइजर। मैंने दो ग्राफिक इक्वलाइजर पहले लगा रखे थे जो अभी भी लगे हैं मेरे रैक में। तो ये है DBX का 1231 ग्राफिक इक्वलाइजर। इसके दोस्तों 31 बैंड का इक्वलाइजर, इसमें हमको मतलब 31 फ्रिक्वेंसीज दे रखी है। अगर हमको पर्सनली कट या बूस्ट करना है, जैसे कि आपने हमारे मिक्सर में गेन के नीचे आपको देखने को मिला हुआ हाई मिड मिड लो जो लो और ऐसे आपको चार नॉब देखने को मिलती है, बस ये चीज़ भी वही सेम काम करती है। लेकिन इसमें हमको फेडर्स दे रखे हैं और पर्सनली एनहेंस जो एक्स्ट्रा हमको फ्रिक्वेंसीज दे रखी है जो हम मिक्सर से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हम ग्राफिक इक्वलाइजर के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जैसे इतनी फ्रिक्वेंसीज हो गई लो की, ये हो गए मिड की और ये हो गई इतनी हाई की, तो दोस्तों ऐसे ऐसे बटिंग भी हमारी फ्रिक्वेंसी, तो हम चाहे तो उसको कितना कम करना है या बढ़ाना है वो हमारे ऊपर है। इसके RTA के जरिए दोस्तों ग्राफिक इक्वलाइजर सेट होता है। हमको RTA माइक हमारे मॉनिटर्स के सामने रखना होता है, या अधिकतर मॉनिटर और FOH दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपको अगर आपकी साउंड की क्वालिटी एनहेंस करनी है तो। तो ये तो गया हमारा DBX का ग्राफिक इक्वलाइजर। साथ ही साथ हमको देखने को एक और मिलता है जो एक और ग्राफिक इक्वलाइजर जो है बैरिंगर का अल्ट्रा ग्राफ प्रो। ये दोस्तों ये भी ग्राफिक इक्वलाइजर है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको तीन यहाँ पे हमारे इनपुट लेवल लो कट के लिए और हाई कट के लिए आपको पर्सनल नॉब्स देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ यही 31 बैंड का इक्वलाइजर है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर दे रखी है हर नॉब के अंदर इनकी पर्सनल इंडिकेशन LED आपने को देखने को मिलेगी। जैसे आप साउंड जब चलाओगे तो आप देखना इसके अंदर LEDs लगी हुई, वो सब ब्लिंक करती है, जो जो फ्रिक्वेंसी जो परफॉर्म कर रही है सारी फ्रिक्वेंसीज की LEDs के अंदर जलती है। तो काफ़ी अच्छा फीचर मेरे को इसके अंदर लगा। एक और बात बता दूं दोस्तों, जो दोनों से ये हैं हमारे ग्राफिक इक्वलाइजर, दोनों दो चैनल के, तो जो ऊपर वाला ये फर्स्ट चैनल होगा, ये दूसरा ये जो नीचे है सेकंड चैनल हो गई, वैसे यहाँ पे एक और चैनल है और ये दूसरी चैनल है। तो हमारे मेरे पास DBX और बैरिंगर दोनों के ग्राफिक इक्वलाइजर हैं। मैं इनको अब यूज़ नहीं करता हूँ। यूज़ क्यों नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर ऑलरेडी डली हुई है, जो हमारा ड्राइवर है के इसके अंदर हमारा ग्राफिक इक्वलाइजर ऑलरेडी डला हुआ है। तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, क्यों, क्योंकि मेरा इक्वलाइजर में इसमें सेट कर रखा है, पर्टिकुलर अगर कुछ सेट करना होता है तो मैं इसमें हमारा इक्वलाइजर भी सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों एक और मेरी चीज़ कम हो गई। तो अगर आपको आपके ऐसी रैक बनानी है तो आपको इसमें ये चीज़ डालने की जरूरत नहीं है, जो मैनुअल इक्वलाइजर जो एनालॉग जो क्रॉसओवर होता है ये डालने की जरूरत नहीं है, एनालॉग ग्राफिक्स भी डालने की जरूरत नहीं है, तीन चीज़ें आपको डालने की जरूरत है ही नहीं। वहीं अगर मैं सबसे नीचे बात करूँ तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ये NX ऑडियो का AD48 ये एम्पलीफायर डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जो सबसे नीचे लगा हुआ है। दोस्तों ये एम्पलीफायर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम हमारा मिक्सर बीच में लेकर बैठे होते हैं और हमारे एम्पलीफायर हमको साइड में रखने होते हैं, तो दोस्तों ये बस ये डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आता है। हमको अगर एम्पलीफायर दूर दूर रखने हैं तो दोस्तों ये एक टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमारे एम्पलीफायर को कि पर्टिकुलर चैनल वाइज हमको कितना वॉल्यूम देना है। एक सेमी कंट्रोल भी हमारे एम्पलीफायर्स को अगर हमको देना है तो ये एम्पलीफायर डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको इसके बारे में और थोड़ी डीप में डिटेल जानी है तो आप इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। ये है NX ऑडियो का AD48 डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफायर। तो दोस्तों ये तो थी मेरी कुछ बेसिक डिटेल्स मेरी इस रैक के बारे में। मैं आपको बताऊं मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ दोस्तों क्रॉसओवर यूज़ कर रहा हूं, साथ में दो इफेक्ट्स यूज़ कर रहा हूं, और कभी कभार मैं ये AD48 जो एम्पलीफायर डिस्ट्रीब्यूटर है वो यूज़ कर रहा हूं। मैं ग्राफिक इक्वलाइजर करने की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को मैनुअल क्रॉसओवर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है, जो हमारा DBX का ड्राइवर 260 है। इसके ऊपर भी कभी हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो थी कुछ बेसिक डिटेल्स मेरी रैक के बारे में। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब इवन यूज़ भी नहीं होती है, इनमें से अधिकतर चीज़ें आज भी यूज़ नहीं होती है। जो बड़े सेटअप्स होते हैं वहाँ पे इन चीज़ आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये एनालॉग सेटअप है दोस्तों। जो अभी जो चल रहा है वो सब डिजिटल सेटअप है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो हो रहा है दोस्तों सिर्फ ड्राइवर एक यूज़ होता है, उसके अलावा नीचे की कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है तो एम्पलीफायर डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ होता है, वो भी एनहेंस डिजिटल वाले आ गए तो इसका भी काम खत्म हो चुका है। क्यों, क्योंकि जो हमारे डिजिटल मिक्सर आ रहे हैं उसके अंदर ही हमको सारे टाइप के इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इवन जो इसमें इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे वही के वही इफेक्ट सारे उसके अंदर देखने को मिलेंगे, वही सेटिंग्स हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा इक्वलाइजर भी हमको इसके अंदर देखने को मिल गया, तो दोस्तों इस चीज़ का भी काम खत्म हो गया। तो बस जो बचता है वो हमारा सिर्फ ड्राइवर एक बचता है, और बाकी हम हमारा डिजिटल जो मिक्सर आता है उसके अंदर सब चीज़ें इनबिल्ट आती है ऑलरेडी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, मेरे को सिर्फ एक बताना था कि मेरे रैक में क्या क्या है, और आप में से कुछ अगर नए
लोग हो तो उनको भी अगर वो लो लेवल से अगर स्टार्ट करेंगे कि आपको अगर चीज़ें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या होती है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए बिना मत जाइएगा, और अगर चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। नीचे दोस्तों सब्सक्राइब बटन दे रखा है हमारे चैनल के नाम के आगे, तो उसको ज़रूर से ज़रूर दोस्तों जाके प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियोस ऐसी आती रहती है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी कई वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों दिस इज़ मी विशाल साइनिंग ऑफ।